मंगलवार को मथुरा जनपद के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम के द्वारा मथुरा शहर के नामी मिठाई विक्रेता ब्रजवासी मिठाई बाला के होली गेट स्थित प्रतिष्ठान पर सैंपल भरने की कार्यवाही की गई। इस दौरान टीम के द्वारा प्रतिष्ठान से बर्फी एवं खोए के लड्डू के सैंपल भरे गए। वहीं टीम ने कार्यवाही के दौरान प्रतिष्ठान में साफ सफाई सहित अन्य बिंदुओं के दृष्टिगत भी निरीक्षण किया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वी के राठी के दिशा निर्देशन में ब्रजवासी मिठाई वाला के होली गेट स्थित प्रतिष्ठान में हुई इस कार्यवाही के संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवराज सिंह ने जानकारी दी। किस प्रकार की कार्यवाही आज की गई और किस प्रकार के नमूने कहां से भरे गए? समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि ब्रजवासी के मिठाई के डिब्बों में मृत चीटे पाए गए थे। उसी के आधार पर आज वी के राठी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशन में खाद्य टीम जाकर के होली गेट स्थित मिठाई की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खोए से बनी मिठाइयों में शक के आधार पर दो नमूने संग्रहित किए गए और साफ सफाई हेतु उन्हें निर्देशित किया गया। किस तरह के नमूने लिए गए, किस किस मिठाई के नमूने? एक खोया लड्डू का नमूना लिया गया है, एक बर्फी का नमूना लिया गया है। गोदाम पर भी कोई कार्रवाई की? कोई नमूने गोदाम से लिए या दुकान से लिए? दुकान से लिए गए नमूने, दोनों दुकान से संग्रहित किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान कुछ और अनियमितताएं भी दुकान में प्राप्त हुई? कार्रवाई के दौरान दुकान पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई, साफ सफाई में थोड़ा सा कमी पाई गई, तो उसके हिसाब उन्हें निर्देशित कर दिया गया कि त्योहारों के दृष्टिगत साफ सफाई पर और ध्यान दें। इनकी जांच कब तक आ जाएगी नमूनों की और क्या कार्रवाई? इनकी जांच लगभग 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगी। उसके रिपोर्ट प्राप्त होने के जस्ट बाद फिर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सूचना आपको दी जाएगी।